वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवार्ण मंत्र करने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, नवार्ण मंत्र मेरी ज़िंदगी है। नवार्ण मंत्र करने से मुझे फ़ायदा ही नहीं बल्कि आज जो भी हूँ मैं नवार्ण मंत्र और माँ अम्बे की कृपा से हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ इसके फ़ायदे क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और कई कई जगह ऑल चैनल्स के कमेंट पढ़ा मैंने कि सब कहते हैं नवार्ण मंत्र जप करने से बीमार हो गए या कुछ इस टाइप का रिव्यू देते हैं जो कि बहुत ही गलत है। नवार्ण मंत्र जप करने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बीमार नहीं होता, करने का तरीका आपको नहीं पता है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मतलब उन लोगों को नहीं पता है। ये बताओ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी किसी भी इंसान को अपनी माँ का नाम लेने से कोई हानि पहुंची है? नहीं ना। वैसे नवार्ण मंत्र हमारी माता का नाम है, इससे आपको कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती, बस ये जप करने का तरीका आपको नहीं पता है। कई लोग लालच के चक्कर में फंस के अपनी कुछ मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए नवार्ण मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं। वो पहले ही दिन में 50 माला, 60 माला, ऐसे इतनी ज़्यादा माला जप कर देते हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है वो सहन नहीं कर पाते। माँ तो इतनी ईमानदार है कि आपने एक बार भी माँ का नाम लिया ना, वो अपनी पूरी एनर्जी आपको देती हैं। लेकिन ये आपकी गलती है ना कि आप अपनी छोटी सी मनोकामना के लिए वो एनर्जी नहीं सह पा रहे हो, अपने आप को उस एनर्जी को पाते बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सर भारी लग रहा है, उबासी आ रही है, पूजा करने के बाद नींद आ रही है, पूरे दिन सर में दर्द हो रहा है, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो भाई, मनोकामना तो आपकी छोटी सी है और आप इतने स्ट्रॉन्ग मंत्र को इतना ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हो। आज तक ये नहीं समझ में आया, माँ का नाम बिना लोभ लालच के लोग क्यों नहीं लेते हैं? कई लोग को तो मैंने देखा है कि जब उनकी लाइफ में दुख आता है तो माँ का नाम जप करना शुरू कर देते हैं, क्यों वो दुख टल जाए। अरे भाई, जब रोज नाम लोगे तो दुख आएगा ही क्यों, माँ दुख देगी ही क्यों? और माँ कभी दुख नहीं देती, दुख आपके कर्म दे, दुख आपको नकारात्मक ऊर्जा देती है जो कभी नहीं चाहती कि आप पूजा में बैठो। कई बार आप देखे होंगे किसी को या सुने होंगे कि कुछ लोग कई दिनों के लिए पूजा करना छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जब शुरू करते हैं पूजा करना तो उनका मन नहीं लगता, उनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो नकारात्मक एनर्जी कभी नहीं चाहती कि आप पूजा करिए, अपने अंदर सकारात्मकता लाइए, वो हमेशा आपको उसी दुख में देखना चाहती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो अब बात करते हैं नवार्ण मंत्र जप करने से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हुए। तो सबसे पहला फ़ायदा, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी किसी भी चीज़ को लेकर के, सबकी लाइफ में होता है कि कोई काम करने चलते हैं तो बनता काम बिगड़ता है या कोई काम करने चलते हैं तो उसमें बाधा आती है, तो वो सारी बाधाएं समाप्त हो गई। हालांकि मैं शुरुआत से माँ सप्तशती का पाठ पढ़ रही थी तो इतना ज़्यादा भी मेरी ज़िंदगी में कोई बाधा नहीं आई, बट कभी कभी कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत आती थी तो वो भी ख़त्म हो जाती थी। नंबर 2, दुश्मन घुटने टेकते हैं। नंबर 3, आप नवार्ण मंत्र का उपयोग करके किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको लंबी आयु प्राप्त होती है नवार्ण मंत्र करने से, माँ दुर्गा की असीम कृपा मिलती है। कई बार जो लोग बहुत ही ज़्यादा नवार्ण मंत्र करते हैं 1,25,000 की संख्या पार कर जाते हैं, उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिसकी वजह से वो मारण मोहन वशीकरण सब कुछ कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र का अगर आप रोज जप कर रहे हैं तो आपको कहीं पे भी हार नहीं मिलेगी, हाथ लगाते ही आपका वो काम सफल हो जाएगा क्योंकि नवार्ण मंत्र महान सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली का मंत्र है, तो ये तीनों माताओं की कृपा आपको मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। माँ काली हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, आपके शत्रु परास्त रहेंगे। माँ सरस्वती सदैव आपको
विद्या का वरदान देंगी, आप हमेशा ज्ञानी रहोगे, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आपको पहले से ही आभास हो जाएगा। अच्छा एक बात और, जो लोग नवान मंत्र रेगुलर करते हैं ना, उनको वो सबसे अलग होते हैं, उनके चेहरे पे एक तेज होता है और वो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है ना उसे भाप लेते हैं। और एक चीज़ मैं अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है बता रही हूँ, कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, आपको एहसास हो जाएगा उस जगह पे या उस एरिया में जहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वहाँ पे आप जाएंगे आपको स्मेल आएगी गंदी सी, या फिर आपको उबासी आएगी बार बार, मतलब आपके जी घबराएगा कि यहाँ से मैं जाऊँ, ये अच्छी जगह नहीं है। तो नवान मंत्र करने से ये भी होता है, नेगेटिव एनर्जी आप पर कभी भारी नहीं होगी। कोई बुरा चाहता है, बुरी नज़र लगाना चाहता है तो उसकी नज़र उसको मुबारक हो जाएगी। कोई बुरी दृष्टि से आपके पास आ रहा है तो उस माँ को पहले ही पता चल जाएगा और माँ उसको आप तक आने ही नहीं देंगी, उसका वही नाश हो जाएगा। आप जो साधक नवान मंत्र करता है, एक तरीके से उसके आसपास जो मंत्रों की वो घेरा होता है ना, वो हमेशा बना रहता है। तो जहाँ पे भी वो साधक बैठता है, उसके जितने भी आसपास के इलाके होते हैं, एरिया होते हैं, पूरा पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। उसके आसपास के लोग उसके जैसे सोचने लगते हैं जैसा वो चाहता है, मतलब सबकी जो थिंकिंग होती है वो बदलना शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में कोई भी नवान मंत्र का जप कर रहा है तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो पूरा घर सुरक्षित है। आपके मुंह खोलने से पहले ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मैं एक बार बताती हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस आपको कब होगा। बहुत लोग एक माला दो माला की एक दिन दो दिन तुरंत ही उनको एक्सपीरियंस होने लगेगा, नहीं, कम से कम ये 7 से 8 दिन आप रोज सुबह शाम एक एक माला कीजिए, फिर एक्सपीरियंस होने लगेगा। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी क्यों नवान मन की वजह से कुछ लोगों का सिर दर्द होता है या बीमार पड़ते हैं, क्यों प्रॉब्लम आती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन।